नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही हैं। प्रयागराज में गंगा नदी अब खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है, जबकि यमुना करीबन 3.5 मीटर नीचे है। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा है। दोनों नदियों के किनारे के कई मठ मंदिर और आश्रमों में बाढ़ का पानी अब घुसने लगा है। लगातार बारिश की वजह से संगम का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे श्रद्धालुओं को तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले ही सड़क पर आस्था की डुबकी लगानी पड़ रही है। प्रयागराज के संगम पर लेटे हुए बजरंगबली पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज्यादा पानी भरने के कारण यमुना किनारे कई पक्के घाट बांध के पानी में डूब गए हैं। हालांकि अभी खतरे की बात नहीं है, लेकिन नदियों का पानी जैसे रफ्तार से बढ़ रहा है, वह लोगों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं संगम तट पर लगातार पानी बढ़ने से निचले इलाके भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। लोगों की झोपड़ियों में पानी समा रहा है। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के पास रह रहे गरीब तबके के लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। प्रयागराज में गंगा का पानी 11 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि यमुना का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है। गंगा और यमुना नदियों में उफान से सबसे ज्यादा दिक्कत संगम आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। बाढ़ के चलते प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ का विकास कार्य भी अब रुक गया है। पूरा मेला क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मेले का काम नहीं हो सकता। वहीं मृतकों का अंतिम संस्कार भी लोगों को सड़क पर ही करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को सड़कों पर बह रही गंगा का आचमन कर वापस जाना पड़ रहा है। आलम यह है कि पानी सड़कों तक पहुंच गया है। जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, उन सड़कों पर अब नाव चल रही है। जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खंभे और पेड़ पानी के डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं NDRF और SDRF की टीम लगातार गंगा और यमुना की नदी में गश्त कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके। इस बीच एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने संगम पर नाविक और श्रद्धालुओं को आदेश दिया कि कोई भी बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाए। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।